हेलो गाइज, नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और मेरा ये न्यू ब्लॉग है और मैं इस ब्लॉग में बताऊंगा कि आज मेरे गांव में कैंप लगा है। और कैंप इसलिए लगा है कि मेरे गांव का कागजात नहीं है, जिसके कारण एक कैंप लगाया गया है। और आज मेरे गांव में 4-5 गो विधायक और DSP आने वाले हैं, तो इसी के बारे में चर्चा होगा। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं वहाँ पर ले चलता हूँ आप लोगों को। और आप लोग जितना भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम घर से बाहर निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं जहाँ कैंप लगा है, वहाँ पर जाऊँगा और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो जो चीज़ होगा। तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए दोस्त, हम पहुँच गए हैं, अब आगे ले चलते हैं आप लोगों को कहाँ, जहाँ पे कैंप लगा हुआ है। देखिए पूरा जुलूस के साथ खिलाया जा रहा है, इधर देख सकते हैं आप लोग। जितना भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए जहाँ पंडाल लगा है, हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, देखिए इतना ज़्यादा भीड़ है कि भीड़ को संभालने में दिक्कत हो रही है। ये लोग भी 15 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं बरही से, इन लोग को भी वही समस्या है। इन लोग का घर रोड में चला गया है, जिसके कारण इन लोग भी समस्या लेकर के आए हैं। नीरज सिंह जी, इनको माला देकर के स्वागत करेंगे। रीता कुमारी स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अब मैं श्री गोपी यादव जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और हमारे वहां पर अब आंगनबाड़ी सेविका जो पूर्वी से है उनसे आग्रह है। की ओर से मैं भी बारंबार अभिनंदन वंदन करना चाहूंगा। और मैं कांग्रेस पार्टी से विधायक जो जैसे बरही आपके अधिकारी बाग में चले हमारे धन्यवाद। सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित निवेदन समिति के सभापति श्री
सब भाई विधायक, आप सबके विधायक, प्रिय विधायक उमा शंकर अकेला जी, साथी सदस्य मंगल कालिंदी जी, जिले की उपायुक्त महोदया नैन्सी सहाय जी, एसी महोदय, प्रेरणा दीक्षित जी, अच्छा शताब्दी एस जी का बहुत गया पूना कुशल जी, डीवीसी से आए हमारे पदाधिकारी डीएफओ साहब और मंच पर बैठे सभी सम्मानित जन और वही मंच पर बैठे हैं आपकी समस्या में उनका हौसला है, आप सबका हौसला रहेगा तो उनका हौसला रहेगा और इस मुश्किल जो आप सब इतने 70 सालों से फंसे हुए हैं इसका भी निराकरण जरूर होगा, जो कागज खो गए थे 70 साल पहले वो कागज अगर निकल आए हैं तो रास्ता भी जरूर निकलेगा। एक बार फिर से आप सब के स्वस्थ होने की कामना करती हूँ, सब लोग सुखी रहिए, संपन्न रहिए, भगवान आप सबको हर परेशानी से दूर रखे और इसी के साथ जय हिंद जय झारखंड। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायिका जी। संघर्ष समिति के द्वारा इस कार्यक्रम के संचालनकर्ता भाई श्रीनगर के साथी संतोष यादव जी, आज इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंच पर बेलगार झरझा के विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह जी, आज इस मंच पर विराजमान जोगसराय के विधायक मेरे छोटा भाई मंगल कालंदी जी, आयुष कार्यक्रम को सफल बनाने में और जो समस्या को दूर करने में जो हम लोग के बीच में पूरे दिन समय लेकर के हक हकूक दिलाने के लिए आप तो पश्चिमी प्रमंडल के हजारीबाग के डीएफओ मिश्रा जी आयुष कार्यक्रम में उपस्थित थे, हजारीबाग के एसी साहब जोरदार तालियों से सभी को स्वागत करेंगे। ये बढ़ी वाले हैं मैडम, ये बढ़ी चले जाओ, आप चाहेंगे हम लोग कि भाई डीएफओ साहब से आग्रह करेंगे कि आपका आशीर्वाद भी मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना डीएफओ साहब का, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आशीर्वाद देते हुए आपने हमको हमेशा सहयोग दिया है, आशीर्वाद देते हुए आप जो सब कहते हुए इस सभा की समाप्ति करने को होता है। विधायक माननीय श्री कालिंदी जी खड़िया विधायक मैं अपनी तरफ से जरूर कोशिश करूंगा, मैं यही आश्वासन के साथ इस सभा की समाप्ति की घोषणा करता हूं, धन्यवाद। सभा समाप्त हुआ और अब यहां से अपने अपने घर जाएंगे। एसपी डीएसपी और विधायक बोले कि इस मुद्दा पे कार्रवाई किया जाएगा। तो आज के ब्लॉग में इतना है, मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग में, और आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये सब काम हम लोग का पूरा हो सके, और आप लोग के प्यार और सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है, तो आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग में।